press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दिल्ली में सियासी पारा पूरी तरह गर्म हो चुका है और पूरी दिल्ली चुनावी रंग में रंग गई है। पार्टियों और प्रत्याशियों ने भी कमर कस ली है। चुनाव प्रचार को भी अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच पिछले 5 साल के कामों के आधार पर लड़े जाने वाला चुनाव शाहीन बाग के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। शाहीन बाग की घटनाओं का चुनाव पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। ऐसे में कोई भी नया मुद्दा बने बनाए खेल को पलट सकता है। नेता एक दूसरे पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बुधवार को भी सुबह से ही बयानबाजी और सोशल मीडिया पर हमले का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर के साथ आम आदमी पार्टी के संबंधों को खारिज करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने भी सुबह ट्वीट किया है, तुम्हारी गंदी राजनीति का खुलासा हो गया है अमित शाह। कपिल गुर्जर का परिवार खुद कह रहा है कि उनका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। सोशल मीडिया पर छिड़ी इस जंग में भाजपा भी पीछे नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर हमला करते हुए ट्वीट किया, केजरीवाल जी अगर आपने काम किया होता तो ये नौबत ना आती। क्या मोदी और शाह को हराने के लिए दिल्ली जला दोगे? इसके अलावा केजरीवाल द्वारा बीजेपी उम्मीदवार को बहस की चुनौती देने पर अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि दिल्ली का हर नागरिक भाजपा का मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। वहीं चुनाव आयोग के प्रतिबंध का समय खत्म होते ही भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा एक बार फिर अपने पुराने रूप में आ गए हैं। उन्होंने आप नेताओं के दावों और बयानों पर ताबड़तोड़ पलटवार शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वो दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने में आम आदमी पार्टी का हाथ होने की बात भी कहते नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने केजरीवाल को आतंकवादी कह दिया था। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे ही सभी नेता इस चुनावी दंगल में पूरी तरह से उतर आए हैं और एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे। सृष्टि गौतम की रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक के लिए।